हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट टू डू इफ यू आर नॉट गुड एट कोडिंग। ठीक है, आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो बट आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या करना चाहिए अगर आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो, तो दूसरा आप क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो आप कर सकते हो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। ठीक है, सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या दूसरे जॉब रोल्स है जिसमें आप लोग एस्पायर कर सकते हो अगर आपको कोडिंग अच्छे तरीके से नहीं आता है। ठीक है, सो ये सारे रिलेटेड डाउट्स जो है आपके ये वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। सो विदाउट मीनिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आते, तो आपको सबसे पहले वो स्किल फाइंड करनी है जो आपको आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, मे बी आपको SQL आता रहेगा, ठीक है, आपको डेटाबेस में नॉलेज रहेगा। अगर डेटाबेस नहीं आता, दूसरे कोई स्किल्स रहेगी, आपको यूजर डिजाइनिंग आता रहेगा। तो ये जो प्रॉपर स्किल है जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले एनालाइज करो। ठीक है, आपको अगर SQL आता है तो वो एनालाइज करके रखो। एंड सेकेंड स्टेप उसके बाद में, अगर आपने एनालिसिस कर लिया कि आप वो कौन सी स्किल है जिसमें आप अच्छे हो, द सेकेंड स्टेप कम्स कि आपको वो जॉब रोल एनालिसिस करना है। आपको वो जॉब रोल एनालाइज करना है जो आपके स्किल सेट के साथ मैच करता है। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल मिल गया। अगर आप फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपको SQL आता है, तो वो कौन से जॉब रोल्स है जिनमें SQL का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल फिर हम लोग बात कर सकते हैं DBA या फिर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये जो सारे जॉब रोल्स है जिसमें SQL की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्पेसिफिक जो जॉब रोल्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। वो जॉब रोल्स में से फिर एक जॉब रोल ऐसा चुनिए जिसमें आपको करियर करना है। ठीक है, सो वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं इस केस में कि आपको SQL आता है, आपने जॉट डाउन कर लिए सारे जॉब रोल्स जिनके लिए SQL नेसेसरी है, उसमें से अभी आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है। ठीक है, तो वो हो गया, दैट इज़ द सेकंड स्टेप कि आपने वो जॉब रोल एनालाइज कर लिया जिसमें आपको करियर करना है। नाउ थर्ड थिंग, वो पर्टिकुलर जॉब रोल में जो जो स्किल सेट इंपॉर्टेंट है वो सारे डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको SQL आता है, आपने चूज कर लिया आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, उसके बाद में बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल के लिए अदर देन SQL क्या क्या स्किल सेट नेसेसरी है वो फाइंड आउट करिए, वो एनालिसिस करिए। अगर आपको सच्ची में बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट स्किल सेट बता के रखे हैं, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, आपको सारे स्किल सेट पता चल जाएंगे अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है। ठीक है, सो वो जो स्किल सेट है नोट डाउन करके रखिए अदर देन SQL, वो जो भी स्किल सेट की लिस्ट है वो भी अपने आप डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई करने वाले हो तो एक स्किल होके नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली सारे स्किल सेट आपको लगेंगे, बट कोडिंग नहीं लगेगी। ठीक है, आपको अदर देन कोडिंग करियर करना है तो कोडिंग नहीं लगेगी। सो मेक श्योर कि जो बाकी के स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो SQL के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे, ठीक है, Excel के स्किल्स आएंगे एंड बहुत सारे स्किल्स है, तो वो एक एक करके डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार पर्टिकुलर टू बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल, जो कि हम लोग ने एग्जांपल पकड़ा है इस केस में, उसके सारे स्किल सेट आपको आ गए, उसके बाद में फोर्थ स्टेप इज कि आप एंट्री लेवल बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ द वे जिससे आपको नॉन कोडिंग जॉब्स मिल जाएंगे। आपको कोडिंग आना इज नॉट मैंडेटरी अगर आपको IT में सर्वाइव करना है या फिर कोई भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ कि अगर आपको IT में करियर करना है तो आपको कोडिंग आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे रोल्स ऐसे भी है जिनके लिए कोडिंग नहीं लगती। ठीक है, अभी इस केस में हम लोग ने बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल का एक एग्जाम्पल लिया था, बट डेफिनेटली बाकी के भी जॉब रोल्स है बहुत सारे जिसके लिए आपको कोडिंग नहीं लगेगी। तो दीज आर द फोर स्टेप्स जो आपको करना है। सबसे पहले आपको आप में कौन सी स्किल है वो एनालाइज करनी है। सेकंड इज कौन सा जॉब रोल है जो आपके स्किल सेट के साथ मैच करता है वो एनालिसिस करना है। थर्ड थिंग इज वो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अदर देन योर स्किल सेट क्या क्या बाकी के स्किल्स मैंडेटरी है लगते हैं वो आपको जॉट डाउन करने हैं। फोर्थ थिंग वो सब कुछ डेवलप करने वो पर्टिकुलर रोल के लिए आपको एप्लीकेशंस देना स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके आप आपका करियर बना सकते हो अदर देन कोडिंग डोमेन्स में। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको अभी कोडिंग नहीं आती है तो आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप IT में सक्सेसफुल करियर कर सकते हो। ठीक है, सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाता रहता हूँ।